नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक नया ऐप आरोग्य सेतु ऐप के बारे में दोस्तों, जिसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकते हैं कि आप कोरोना संक्रमित है या नहीं। दोस्तों इस ऐप की कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और दोस्तों ये ऐप भारत सरकार ने हाल ही में ही लॉन्च किया है कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, इस ऐप के बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, ये वर्क कैसे करता है और यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है आरोग्य सेतु। दोस्तों जैसे ही आप आरोग्य सेतु ऐप सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आरोग्य सेतु जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐप आपके सामने शो होगा। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे मैंने फिलहाल इंस्टॉल किया हुआ है। दोस्तों जब आप इसे इंस्टॉल कर ले तो सिंपली आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इसका जो इंटरफेस रहेगा जो इस तरह से रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति COVID-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया? दोस्तों इस जानकारी को पढ़ने के बाद आपको सिंपली राइट टू लेफ्ट इसे स्वाइप करना है और यहाँ पर दोस्तों आगे कुछ जानकारी लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेट सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभव संपर्क को ट्रैक करता है। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करें, ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करें, अपनी लोकेशन शेयरिंग को ऑलवेज पर सेट करें। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अपने दोस्तों व परिवार को भी आमंत्रित करें। दोस्तों फिर से आपको राइट टू लेफ्ट स्वाइप करना है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है यदि आप जाने अनजाने में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में COVID-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर राइट टू लेफ्ट स्वाइप करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर करें, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेवा और गोपनीयता की शर्तों के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, तो आप इन्हें चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं सहमत ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आपको अपने डिवाइस पर यहाँ पर अलाउ करना है। दोस्तों इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होता है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ जिस पर OTP जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन पर एक OTP जाएगा जो ऑटोमेटिक इस ऑप्शन में आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ओपन खुलते हैं और यहाँ पर आपको अपना नाम, आयु और व्यवसाय की जानकारी देनी होती है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप कर दी हैं। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर जरूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि वाले बटन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है, आपके सामने अब दो ऑप्शन और आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं COVID-19 सहायता केंद्र, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको हर स्टेट के हेल्पलाइन नंबर मिल जाते हैं कोरोना वाले। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी दिक्कत है या आपके आसपास कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं तो आप इन पर उनकी जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया गया है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप संक्रमित हैं या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करना, तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये लाइव चैट की तरह काम करता है पूरा का पूरा ये सेटअप। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि आपका लिंक क्या है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रूफ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरी आयु पूछी गई है, तो मैं अपनी आयु यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि आप नीचे लिखे गए लक्षण में से किसी का अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे अभी दिक्कत जो है खांसी की, अगर मान लीजिए आपको और कुछ है तो वो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ है, तो यहाँ पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फेफड़ों की बीमारी, इनमें से मुझे कोई भी बीमारी कभी नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है, पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा की, हाल में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहे हैं, मैं स्वास्थ्यकर्मी हूँ, तो दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर
मेरा जो जवाब है यहाँ पर, जो रिपोर्ट है मेरी आ चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अस्वस्थ जरूर है परंतु आपका संक्रमण का जोखिम कम है। याद रखें कि वर्तमान में अस्पताल का दौरा करने की तुलना में फोन या वीडियो के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श करना सुरक्षित है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहे। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं www.mohfw.gov.in पर, यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपना स्वयं का टेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कोविड-19 कोरोना के बारे में काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। कोविड-19 अगर हो जाए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सावधानी, सुरक्षा के उपाय, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्क करता है पूरा का पूरा ऐप। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस ऐप को जल्दी से इंस्टॉल करें और अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जरूर देखें। दोस्तों इस ऐप को शेयर करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली एक बटन दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरों के साथ साझा करें, उनकी रक्षा करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली क्लिक करके इसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या आप अन्य लिंक से, या मोबाइल पर, फेसबुक पर, किसी भी तरह से आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।